नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। स्वीडन में हुई गोल्डन गर्ल्स अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली कैथल की 16 वर्षीय कुमारी लाशु यादव के कैथल वापस पहुंचने पर भारी स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली कुमारी लाशु यादव को उनके परिजनों, खेल प्रेमियों, फूल मालाओं और नोटों की मालाओं से लाद दिया। RKSD कॉलेज के खेल स्टेडियम से उन्हें खुली जीप में अभिनंदन करते हुए घर तक ले जाया गया। बॉक्सिंग के नन्हे नन्हे खिलाड़ियों में लाशु की इस जीत को लेकर बड़ी खुशी देखी गई। बच्चे उनकी जीप के आगे आगे डीजे की धुनों पर जमकर नाचे। उल्लेखनीय है कि 31 जनवरी से 2 फरवरी तक स्वीडन के बोर्स में हुई गोल्डन गर्ल्स अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में लाशु ने 66 किलो भार वर्ग में डेनमार्क की बॉक्सर विंटर रोश खान को काफ़ी अंतर से फाइनल मुकाबले में हराया है। और इसी के साथ देखते रहिए पल पल की विशेष रिपोर्ट। मैं गोल्डन गर्ल्स चैम्पियनशिप थी ये स्वीडन में बोरास में, जहाँ पे 71 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। मेरी बाउट डेनमार्क की लड़की के साथ थी फाइनल बाउट, और जिसे मैंने 5-0 से यूनानिमस डिसीजन से वहाँ पे बीट किया और मैंने गोल्ड हासिल किया अपने देश के लिए। कैसा? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ गोल्ड लेकर अपने देश के लिए। इसके पीछे मेरे मम्मी पापा, मेरे कोचिज राजेंद्र सिंह, गुरमीत सिंह एंड विक्रम ढुल, इन सब का ही साथ रहा है, तभी मैं इस उपलब्धि तक पहुंची हूं। कितनी टीमें आई थी वहां पर, किसके साथ? 71 टीम्स कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 12 कंट्रीज मेरे वेट में थी, जिनमें से मेरे को डेनमार्क की लड़की को, जिसको मैंने हराया फाइनल में। और इसके लिए बहुत मतलब मेहनत की मैंने पहले। आगे क्या टारगेट है? आगे टारगेट एशियन चैंपियन। टारगेट क्या है? आगे मेरा टारगेट एशियन चैंपियनशिप है, जो कि अगस्त में होगी, उसमें गोल्ड लेके आना है। 66 केजी में खेली थी मैं वहाँ। तो क्या चैंपियनशिप का था, पूरा क्या नाम था? गोल्डन गर्ल्स चैंपियनशिप यूथ। मैं जूनियर एज ग्रुप खेलती हूँ, तो उसमें मैंने गोल्ड लिया। हुआ है, बहुत हुआ है। हमारा नेशनल कैंप भी लगता है, जूनियर कैंप रोहतक में। NBA अमन मैम हमारे को वहाँ पे हेड कोच हैं, जो हमारी ट्रेनिंग कराते हैं वहाँ पे। तो आगे आपका क्या टारगेट रहेगा, किस तरह की तैयारी चलेगी आपके आगे, क्या टारगेट रहेगा? आगे मेरा टारगेट एशियन चैंपियनशिप के लिए होगा, उसके लिए भी ट्रायल्स होंगे, पहले उसमें मेरा गोल्ड लाने का ही टारगेट रहेगा। सपना क्या आगे आपका, कहां तक? आई वांट टू बिकम एन इंटरनेशनल चैंपियन। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मेरी बेटी एक गोल्ड मेडल लेके आई है। इसमें मेरे जो गाँव के कोच हैं उनका बड़ा हाथ है, जो मेन से उसमें कि राजेंद्र कोच जी ने बड़ा मेहनत की है इसके ऊपर, और विक्रम ढुल जी हैं वो भी बहुत अच्छी कोचिंग के उसमें कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं यहाँ पे। इसका बचपन से कैसा? बचपन से दोनों ही रुझान इसके बहुत अच्छे हैं, ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है और खेलों में भी बहुत अच्छा उसमें करती है। ये सुबह 4 बजे उठ जाती है, हमें उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है इसके, और अपने आप ही आती है ये। आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया? मैंने तो जो माँ बाप कर सकते हैं वो किया है। बहुत अच्छा लग रहा है ये, इसने मेहनत किया, मेहनत का फल आया इसकी का, तो इसलिए ये गोल्ड लेगा। ये वहाँ किस तरह की तैयारी आप लोग करवाते हैं? ये लगातार तीन साल से यहाँ प्रैक्टिस करिए, सुबह शाम डेली रेगुलर आती है, इसलिए रेगुलर आती है, इसलिए इसका ये फल है, ये आज मेडल गोल्ड लेके आई है बाहर से। तो आगे किस तरह की तैयारी रहेगी इसकी? आगे इसकी और भी, अभी ये इंडिया कैंप में ही है, और आगे मैन टूर्नामेंट की चैंपियनशिप आ रही है, यूथ जूनियर एशियन चैंपियनशिप आएगी, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप आएगी, उनकी तैयारी को देख कर इसको और इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और ज़्यादा इसकी तैयारी कराई जाएगी। आज ये बहुत अच्छा दिन है, खुशी का दिन है कि कैथल की लड़की ने पूरे इंडिया का नाम रोशन करा और इसने इंटरनेशनल कंपटीशन में गोल्ड प्राप्त किया, और मुझे बहुत ही खुशी हुई है। तो सब किस तरह की तैयारी है हमारे पास? हम इसको 2 घंटे सुबह, शाम को 3 घंटे, और दिन में ये एक्स्ट्रा घर में भी करती थी, अच्छी प्रैक्टिस करती थी, बड़ी हार्ड ट्रेनिंग हमारी चल रही थी, और ये लड़की इस ट्रेनिंग को लगातार दिल से और लगातार कंटिन्यू बगैर गैप पे करती थी। तो आगे किस तरह की तैयारी इसकी जारी रखेंगे आप? हमारा टारगेट आगे एशियन चैंपियनशिप आ रही, जो कि अगस्त में होनी है, उसके लिए हम इसको तैयार कर रहे हैं, और उस हिसाब से हम इसको हार्ड वर्क जो करा रहे हैं ये उसको एक्सेप्ट कर रही है और पूरे क्षेत्र के ढंग से कर रही है और तैयार हो रही है। क्या मानते हैं कैथल में कैसा एनवायरनमेंट? कहूँ तो मैं कैथल की एक अपनी गेम बन चुकी है, कैथल में इसकी अच्छी पहचान हो चुकी है, हर बच्चा पेरेंट्स चाहता है कि हमारे बच्चे बॉक्सिंग करें, और खूब बच्चे आते हैं, और सरकार में इसका काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है। इस हिसाब से हमारे सामान मिलता है, खराब शाम को बच्चे खेलते हैं, सामान सारा सरकार ही देती है, बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है खेलने के लिए, ऐसी बात नहीं।